फोन के साथ फोन नीचे भाई जन्नत जी यहाँ पे सामने पीछे हाँ स्टैंड यहाँ पे सामने हम एक और बार गाना दिख लेते हैं रबर थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग थैंक यू सो मच बाय बाय मम्मी जी को गाना कैसा लगा आप भी बोल दीजिए थोड़ा नहीं मिली ना थोड़ी बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए चलिए आपको एक सिंगल सिंगल चला दो अरेबिक पॉप सॉन्ग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले तो ये बताइए गाने का गाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था
आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम विभास जी ने हमको ये कॉन्सेप्ट बताया कैफा हरुका का, तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज थोड़ा अलग है जो गाने हम ऑलरेडी सुन रहे हैं और जो गाने हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं. तो हमने सोचा कि वाई नॉट, और पहले हमने ये भी सोचा कि यार हो सकता है कैफा हलुका थोड़ा अलग वर्ड है, लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है. बट सुनने के बाद जब उन्होंने उसका म्यूज़िक किया और हमें बताया कि वो कैसा लग रहा है, तो जब हम सुन चुके थे गाना उसके एक ही घंटे के बाद से हमारे ज़बान पर वो आ गया था. तो ये इतना ज़्यादा कैची है कि आप जब उसको दो तीन बार सुन लोगे तो आपकी ज़बान पर चढ़ जाते हो. सो आई थिंक किसी भी गाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि वो गाना आपकी ज़बान पर चढ़ जाए. और ये वर्ड अरबिक वर्ड होने के बावजूद भी अगर आपकी ज़बान पर चढ़ रहा है, तो हमें लगा कि आई थिंक ये बेस्ट होगा हमारे लिए कुछ नया ट्राई करने के लिए. प्लस इसमें भी हमने पॉप म्यूज़िक डाला है, इसको भी हमने पॉप बनाने की पूरी पूरी कोशिश करी है. इसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए गए हैं, इसमें अरबिक म्यूज़िक भी है, इसका हुक ही अरबिक है. सो आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट. हम कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ अलग आपको सुनाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे. सो आई होप कि हम उसमें सक्सेसफुल हुए. एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा था, लोगों को पसंद भी आया. लेकिन जो आपने बताया कैफा हलुका, ऑलरेडी जो है मीडिया को आपने बता दिया, ऑडियंस को बताना चाहेंगे उसका मतलब क्या होता है और कैसे ये टाइटल दिमाग में आया अगर उस बारे में? ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट हाफ का आंसर है वो मैं कर दूंगी. आई थिंक सेकंड हाफ का आंसर जो है कि कैसे ये दिमाग में आया वो विभास जी करेंगे बिकॉज ये उनका आइडिया था. तो कैफा हलुका एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है हाउ आर यू. तो जो मैं बार बार हमारे हुक में बोल रही हूँ कैफा हलुका मरहबा, इज हाउ आर यू मरहबा. और ये कैसे इनके दिमाग में आया वो आपको बताएंगे वो. एक्चुअली मैंने जब ये गाना, पहले कोई और गाना बनाया था हम जब करने वाले थे, मैंने एक और गाना इनको प्रेजेंट किया था, वो भी बहुत अच्छा था. बट इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इससे भी कुछ और बेहतर करना है. ऐसा गाना मैं पहले कर चुकी हूँ, हमने बाबू सोना मोना भी किया था, वो थोड़ा उस पेस का गाना था, तो कुछ डिफरेंट करना है. सो आई थॉट, मैंने कुछ वर्ड्स सर्च किए कि क्या क्या डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, हाउ आर यू को डिफरेंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं. तो एक वर्ड मुझे नज़र में आया, दैट इज़ कॉल्ड कैफा हलुका, एंड फिर मैंने पूरे के पूरे जो लिरिक्स थे उस वर्ड के बने हैं. जी, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. ऑल्सो किसका आइडिया था कि ये गाना जन्नत ही गाएगी और फीचर भी जन्नत करेगी? सी ऑफकोर्स ये आइडिया जन्नत और उनके पापा का होता है, बिकॉज मैं तो एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ या गाना लिख सकता हूँ, म्यूजिक कर सकता हूँ. उसके बाद मुझे याद है पहले हमारा मन था इसका भी लिरिकल करेंगे एज वी डिड फॉर द लास्ट टाइम, बट जब जन्नत ने वो गाना सुना शी सेड नो, हम इसका एक वीडियो करेंगे बिकॉज दिस ऑडियो डिमांड्स एंड रिक्वायर्स अ वीडियो ऑन इट. एंड वो आप देख भी रहे हैं कि कितना खूबसूरत वीडियो है और कितना अच्छा उस पर प्रेजेंटेशन है, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड क्रेडिट गोज़ टू देम. जन्नत सब जानते हैं आप बहुत अच्छी एक्टर हैं और अभी जो है एज अ सिंगर भी आप खुद को एक्सप्लोर कर रही है, आपने गाने भी गाए हैं, तो कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर इजी लगता है आपको एज अ एक्टर या एज अ सिंगर? आई थिंक इजी कोई भी जॉब नहीं है और डिफिकल्ट भी कोई जॉब नहीं है अगर आप उससे दिल से कर रहे हो और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है. एक्टिंग के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और क्योंकि मैं बचपन से करती आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर आप मुझे एक्टिंग और सिंगिंग को कंपेयर करने बोलेंगे तो एक्टिंग नंबर वन मेरे लिए हमेशा रहेगी और इजी भी रहेगी क्योंकि एक हैबिट है एक्टिंग करने की. और सिंगिंग में मैं अभी भी बहुत नर्वस होती हूँ, उनको पता है कि मैं पहले हम अलग रिकॉर्ड करते हैं, पहले हम एक रफ स्क्रैच रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मैं स्टूडियो जाती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए. और इस बार तो स्टूडियो में भी दो बार रिकॉर्ड करना पड़ा बिकॉज जो मैंने पहला रिकॉर्ड करके डैडी को सुनाया तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि मेरे इमोशंस बहुत कम थे फर्स्ट हाफ में, तो उन्होंने बोला कि नो, आई थिंक ये इमोशंस तुम्हारे कम आ रहे हैं इसमें, आपको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो फिर हमने दोबारा से रिकॉर्ड किया. सो आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए सिंगिंग थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए. आप बताइए आपको गाना कैसा लगा, जन्नत कैसे लगी गाने में, थोड़ा सा उस बारे में आपके रिव्यू के बारे में जानना चाहूँ. मुझे बहुत गाना अच्छा लगा, बहुत यूनिक लगा. जस्ट इन टाइम डैडी, द मोस्ट अवेटेड पर्सन इन द रूम इज हियर. सो सॉरी मैं लेट आया, आई एम सो सॉरी. नहीं कोई बात नहीं, गलत चले गए थे बट हमने बस बस हाउ आर यू बेटा, बस अभी स्टार्टेड. तो हाँ जी, तो मुझे गाना बहुत यूनिक लगा, बहुत लिरिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे सॉन्ग के. एंड जब गाना अपी ने गाया एंड उसके जो पूरे लिरिक्स मैंने सुने एंड जैसा वो निकल के आया है पूरी म्यूज़िक एंड लिरिक्स, वो बहुत डिफरेंट था. जैसे मतलब कि ऐसे टाइप के सॉन्ग्स बहुत कम आते हैं. आई मीन मैंने ऐसे टाइप का सॉन्ग तो पहले सुना नहीं है अरबिक पॉप, बट ये मुझे बहुत अलग लगा एंड बहुत ही अच्छा लगा. तो बहुत, इट्स वेरी हैप्पी एंड वेरी कैची.
सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ी देर पहले जैसे मैं विभास जी से पूछ रहा था कि ये किसका आइडिया था कि जन्नत फीचर करेगी और गाना भी जन्नत गाएगी, क्योंकि जितना हमने गाना देखा बहुत ही परफेक्ट लग रहा है गाना, एक्टिंग वाइज और सिंगिंग वाइज, अगर उस बारे में कुछ बताए कि कैसे आप लोग चुनते हैं इस चीज के लिए कि कौन फीचर करेगा गाने में? नहीं अभी तो ऐसा है कि जन्नत को हमने बाकी एल्बम्स कराना बंद कर दिए, तो अभी कोई भी आगे भी कोई भी गाने आप जन्नत के जो आएंगे मोस्टली मेरा जहाँ तक कि मेरा मानना है मेरी कोशिश रहेगी कि 99% जन्नत के जो गाने आएंगे जिसमें जन्नत फीचर कर रही है वो जन्नत खुद गाए और जन्नत के अपने ही चैनल पर आए, तो मैं चाह रहा था कि वो अपने चैनल के ऊपर अपने गाने लेकर के आए और ख़ुद भी गाए ताकि वो एज अ सिंगर भी मार्केट में इस्टेब्लिश हो सके और आप लोगों को एक अच्छे अच्छे गाने सुनाने का मौका मिले आप लोगों को। राइट सर, जन्नत बहुत अच्छी एक्टर है सब जानते हैं, लेकिन गाने के बारे में जब उन्होंने बताया आपको पहली बार कि मैं गाना भी गाना चाहती हूँ, क्या रिएक्शन था आपका उस बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अभी 2-3 गाने ऑलरेडी जन्नत गा चुकी है और लोग पहली बार मैंने इन्हें बताया ही नहीं कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे बताया कि तुमको गाना गाना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे जन्नत सारी चीज़ों में अच्छा करी, जैसे आप लोग उसको बचपन से कैप्चर कर रहे हैं और आप लोग के थ्रू काफ़ी हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है, तो जैसे जन्नत एक्टिंग कर रही है, जन्नत सोशल मीडिया पर ही, तो कई कई जगहों पर उसने सब जगह अच्छा किया, तो मैंने सोचा कि ये सिंगिंग वाला पार्ट क्यों खाली रह जाए, तो इसको भी करते हैं। राइट, और जन्नत आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत ही मल्टी टास्किंग करती है आप, सिंगिंग एक्टिंग सोशल मीडिया को हैंडल करना, कैसे हैंडल कर पाती है, अगर उस बारे में कुछ बताए कि कैसे अपना टाइम आई थिंक ऐसा कुछ मैं टाइम डिवाइड करके काम नहीं करती हूँ, मुझे लगता है बस हो जाता है, और अब क्योंकि इतने टाइम से ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रही हूँ तो अब ऐसा लगता नहीं है कि इतना सारा काम है मैं कैसे हैंडल करूँ या कैसे उसको डिवाइड करूँ, आई थिंक बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाता है। ऑल्सो आपके जो कॉलीग्स है जैसे सिद्धार्थ की बात करें, अवनीत अभी डेब्यू कर रही है जी, क्या आपके फैंस आपको डेब्यू करते हुए देखेंगे, और अवनीत की ट्रेलर देखा होगा आपने अवनीत की फिल्म का, अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें? जी बिल्कुल देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे, और अवनीत की फिल्म आ रही है, आई लाइक टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, आई थिंक अभी कुछ ही दिनों में आ रही है, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट, आई फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल ऑफ अस स्टार्टेड सो अर्ली एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हम सब ने स्टार्ट किया था, सो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें अचीव करता देख के और उनके भी सक्सेस देख कर बहुत खुशी होती है कि यार हम सब ने स्टार्ट किया था एंड नाउ यू नो एवरीबडी इज़ डूइंग सो वेल फॉर देम सेल्फ्स, सो आई लाइक टू विश हर एंड हर एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। विभान जी आपसे जानना चाहूँगा, गाना जैसे मैंने कहा कि बहुत परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा बताइए एक्सपीरियंस के बारे में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये गाना? मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा टफ था गाने के लिए भी, बट जो मैं बात बताना चाहूँगा कि जन्नत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, वो कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेती हैं, बार बार जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले डब किया, भैया ने गाना सुना, ही सेड नो अभी इसमें इमोशंस और फीलिंग्स की थोड़ा कमी है, आप दोबारा गाइए, सो वो जो हार्डवर्क है ना वो इस गाने की परफेक्शन में आपको देखेगा, खाली मेरा नहीं है, मैं गाना बना सकता हूँ, उसे निभाने के लिए इतना अच्छा शूट करने के लिए ये पूरा क्रेडिट इनको जाता है, एंड जब एक टीम अच्छे से मिलकर काम करती है तो इतना अच्छा रिजल्ट सामने आता है। किशन अरे जन्नत जी, जैसे कि इस गाने में अगर हम बात करें तो कॉस्ट्यूम बहुत बेहतरीन रहा है, तो ये डिजाइनर कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा कुछ अगर आप बता दें? तो मुझे मेरे दो स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया था फॉर दिस म्यूज़िक वीडियो एंड आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब, सुजाता एंड सिमरन, और हमारा वीडियो बनाने का जो सबसे मेजर मोटिव हमें मिला था वो इसीलिए मिला था क्योंकि हम लुक को लेकर, लोकेशन को लेकर, उसके फोटोज़ को लेकर इतना पर्टिकुलर हो रहे थे कि हमने सोचा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑल्सो, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत, हमारा बहुत सारा टाइम, बहुत सारा रेफरेंस निकालो, उनको दो, उन्होंने सब ने बहुत वर्क किया इस पर, तो आई थिंक सब कुछ इतनी अच्छी तरह से सेट हुआ, इतनी अच्छी तरह से बैठा कि मुझे मेरे लुक्स को लेकर उस दिन से कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं जिस दिन से मैंने अपना फर्स्ट पोस्टर डाला था। आई एम वेरी हैप्पी दैट एवरीबडी लव्ड द इंटायर लुक, द सॉन्ग, म्यूजिक, लोकेशन, एवरीथिंग, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। लोगों ने गाना देख ही लिया, अगर आपकी आवाज में दो लाइनें हो जाए ऑडियंस के लिए? ठीक है। दीवाना जिसका जमाना, जिसकी आंखें पैमाना, उसको है अपना बनाना जिसने लूटा मेरा दिल। दीवाना जिसका जमाना, जिसकी आंखें
रखे पैमाना, उसको है अपना बनाना जिसने लूटा मेरा दिल। मरहबा मरहबा कैफा हलूका, मरहबा 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 कैफा हलूका, मरहबा। Hi, this is Jannat Zubair and my song Kaifa Haluka is out now on my YouTube channel. I hope आप जाकर वो गाना देखें, और अगर आपने देख लिया है तो आई होप आपको गाना पसंद आया होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करी है। कैफा हलूका इज़ एन अरबिक वर्ड विच मीन्स हाउ आर यू, सो प्लीज़ गो, प्लीज़ वॉच द सॉन्ग, और प्लीज़ मुझे अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।